अच्छा एक बात कहो, तो मरने के लिए तैयार है ना? हाँ भैया। खाने पीने का कुछ दिल करता है? कुछ मुझे खाने का दिल नहीं। कुछ किसी को भेंट करने का चाहते हो? इससे मैं भेंट करूंगी नहीं। चलो तैयार हो जाओ, बुला दूंगा एक दो तीन, तो तीन पर तुमको कत्ल करूंगा, याद कर लेना। महाराज की ऑर्डर है, उदय चंद्र सिंह का ऑर्डर है कि इसको जंगल में ले जाओ, मार करके कोर करे दाग का पुतला लेकर के निकाल करके मेरे सामने में हाजिर करना। मैं नहीं रहूंगा तो भावी सोना को दे देना। तुम जानते हो नहीं के लिए खोले उसको, तुम जानते हो नहीं उदल को? क्या जानू, जैसे गरी का पहिया वैसे उदल का बोल है। सबसे नारी ये प्रिय है देश मोने को रहने। तो मानते हैं महाराज, इससे पुत्र को कारण इनको पुत्र सही हुआ है। सोना चोरी करके और ईट खापर इसको गोद में रख के और उदल को सामने में हाजिर करके इसको फंसा कर इसको बर्बाद। इससे मेरा क्या लेना देना? सुन लो, बोलिए और सांप भी मर जाए लाठी भी बच जाए। कैसे मरेगा सांप, कैसे बचेगा लाठी? अरे इसको तुम जान छोड़ दो और एक बकरी खासी खरीद लो और पूरे मास पूरे पलवार खा जाना और सीने का करे। मांस हम खाते नहीं, आप पूरे मांस खा जाएंगे ना? काहे नहीं खाते हो रे? हम उसको नकारते हैं इसलिए। अरे वो गंदा चीज है, मांस गंदा चीज। हाँ, गंदा है, कीड़ा मकोड़ा पोटा खखार दुनिया जहान सब खाता है, इसको हम नकार देते हैं। ताली बन के पीते हैं, वो नहीं खाते हैं। नहीं ठीक है, तुम नहीं खाना और बाल बच्चा तो खाएगा ना? हाँ, बाल बच्चा। चलो ना, बाल बच्चा को लिए हो जाए। मैं जो उस खेतूंगा। हाँ, मालपति आपको है? लाओ। अरे मालपति का उपाय हो जाएगा, तुमको चिंता का है का? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम साइड में रहो ना, मालपति हो जाएगा भाभी जी।
तुम नहीं मरो, तुम मर जाओगे तो कहानी समाप्त हो जाएगी, तुम कहीं न कहीं जिंदा रहेगी। पूजल को दासा और सोना को कहानी तुम कानों से सुनेगी। आप डोम चंडाल को लिए कुछ पैसा चाहिए। देवर जी बोलेगी, ये जंगल में मैं कहां से लाऊं, पूरे बदन की कपड़ा तार लिए, जितने सोना चांदी पहनी हुई थी सब निकाल लिए। ठीक है, कोई शहर बाजार में जाकर, कोई गांव भूमि में जाकर डोम चंडाल को तब तक मैं ठहराता हूँ, और तुम कुछ भिक्षा मांग कर लाओ, जैसे डोम के मिल जाएगा डोम अपने घर को चले। क्या मैं भीख मांगू तो क्या होगा? देवर जी, जिस समय महल के अंदर मैं थी, अच्छा, भीख भिखार इनके मैं दान करती थी, आज इतने भरे हुए सभा में अपने आंचल में कैसे फैलाऊं? तभी राजा से लोग गरीब हो जाता है, गरीब से राजा बन जाता है। तुम कोई चोरी चपाटी नहीं किया, ये धर्म काम है, तुम अपने हाथ को फैला लो।
अरे गिरा रे एक ठो बात महाराज बोलेगा यह मोरंगबाड़ी का कह दीजिएगा कंदाकर महाबाखंडर कभी लौट करके नहीं आना है। अच्छा। अगर लौट करके आगा नंद महाबाखंडर उदय सिंह का नजर अगर पड़ जाएगा तो थाल खींचेगा भूसा भर देगा बहु बेटी सब सरकार लगा लेगा। ठीक है जाओ मैं जा रहा हूँ। बोले जी अब मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाना नहीं है, यही जंगल को रास्ता पकड़ो और बन बबड़ी से बन खरा में, बन खरा से बन झुआ में, अगर रास्ते जंगल में बाघ सिंह मिल गया तुम्हें खा जाएगा, जमल जन्म सफल हो जाएगा। अगर नहीं खाया आगे चल के माँ नदी गंगा बहती है, जाकर माँ से गंगा को गोद में चले जाना। जंगल है, इस जंगल में जब सामने बाघ हरिन आती है तो मुझे तोड़ नहीं पाती है। हे भगवान, अगर मुझे बाघ हरिन तोड़ देती तो जमल सफल हो जाता। बघबो हरिनिया नैया भागल Yeah.
जंगल से दूसरे जंगल गई, सामने देखती माँ गंगा बहती। माँ गंगा की गोद में मैं चले जाऊंगी तो मेरी जलम सुफल हो जाएगी। गंगा मैया रख ली आज गोदिया मैया, कहां से आई हो, किस कारण वश इतनी व्याकुलता में तू मुझे पुकार रही हो? हे माँ गंगा, ए पपिया ही का तुम अपनी ओद्र में रख लो माँ, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। क्या हमारे लिए कोई जगह नहीं? बिल्कुल नहीं, नहीं। क्या अपनी ओदर में रख लो, मैं तुम्हें कैसे रख लूं? मेरी अचल ऐसी पवित्र है, उसे तुम मैली करना चाहती हो? हिमा, ये पपियाही की तुम अपनी ओदर में रख लेगी तो जलम सुफल हो जाएगी माँ। नहीं, ये कदाचित हो नहीं सकती। तुम अपनी आत्महत्या करने जा रही हो, मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर लूं? हे माँ, स्वीकार कर लूं माँ, ए पपियाही के अगर तुम अपनी ओद्र में रख लेती है तो जलम सफल हो जाएगी। तुम किस कारणवश इस गंगा में अपनी आत्महत्या करनी चाहती हो? हे माँ गंगा, अपनी आत्महत्या मैं करती
जो पूरा हो गया ये, इसके बाद मैं कुछ बताऊंगी। क्या क्या कही तूने? क्या कारण खाती? मैं कह के सुनाऊ, मुझे पूरा होगी, अवश्य पूर्ण होगी। तुम क्या करके सुनाओ? ये कपे बेटा कारण मैया गंगा लाभ लैया के पीला दुनिया गल मैया लेकिन तुम नहीं जानती, तुम जैसे ही मानव अपने कर्म से चूक जाती है, आत्महत्या कर लेती है, कैसे मेरा पुत्र मर चुका है। हिमा, मुझे पुत्र मर चुका है। कहाँ है तो मर नहीं गए तो है कहाँ? यदि तुम्हें पुत्र मिल जाएगा तो तुम खुश हो सकती हो। अगर ऐसा कौन सा आदमी का पुत्र मिलेंगे तो खुश काहे नहीं होगी? तो तुम्हें मिल गया, देखो तुम्हारे सामने है। कहाँ मिला माँ, कहाँ मिला? इतनी व्याकुल हो चुकी हो पुत्री? अरे मेरी सागर से कुछ ही दूर तुम जंगल में जाओ, जहाँ मुनि आश्रम है वही तुम्हारा पुत्र। क्या मुनिवर बाबा की पास मेरी पुत्र है? माँ गंगा सही कहती है कि झूठ बोलती है? माँ देखती हूँ, गंगा यदि झूठ रहती तो उसकी पानी इतनी निर्मल नहीं होती। ठीक है माँ, यहाँ से मैं दूसरे जंगल में जाती, मुनि आश्रम की पास मेरी पुत्र मिलेंगे माँ। अवश्य मिल जाएंगी। Yeah, yeah.
महिमा से संपन्न हो गए। अब मेरी पार्टी की कार्यक्रम खत्म हो चुका। जय जय रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम।